हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल नर्सिंग एकेडमी पर। तो गाइस, जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन कैसे बनता है? यूरिन तीन स्टेज में बनता है या तीन स्टेप में बनता है। पहला आता है ट्यूबुलर, ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। दूसरी स्टेप आती है इसकी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। उसकी थर्ड स्टेप आती है, वो होती है ट्यूबुलर सिक्रेशन। उसकी फर्स्ट स्टेप है उसको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो अफरेंट आर्टरियोल्स और इफरेंट अफरेंट आर्टरियोल्स और इफरेंट आर्टरियोल्स है वो कितना ब्लड जो ग्लोमेरुलाई होता है उसमें लेके आती है। वो लेके आती है कम से कम 1100 से 1200 ml पर मिनट में लेके आएगी, ठीक है। अब हम सबको पता ही है ब्लड में 55% पार्ट प्लाज्मा होता है। कितना? 55% पार्ट प्लाज्मा होता है। मतलब अपन इसका रेशियो निकाले तो कम से कम 650 ml, 650 ml होता है वो केवल प्लाज्मा फिल्ट्रेट होता है, ठीक है। इनमें से भी केवल 125 ml जो ब्लड होता है वो पर मिनट फिल्ट्रेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम एक बात और समझ लेते हैं कि जो ग्लोमेरुलाई में जो ब्लड आएगा मतलब जो फिल्ट्रेट होगा वो केवल प्लाज्मा प्रोटीन मतलब प्लाज्मा का होगा, और जैसे सोडियम हुआ, क्लोराइड हुआ, पोटेशियम हुआ, इन सब का फिल्ट्रेट होगा। और इसमें केवल जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है उसका फिल्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। जब ये अफरेंट आर्टरीज रिफरेंट आर्टरीज ब्लड लेके आएगी तो यहाँ पर फिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर प्रोड्यूस होगा। उस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से जो ब्लड है वो बोमेंस कैप्सूल में चला जाएगा, ठीक है। फिर बोमेंस कैप्सूल में जा करके यहाँ पर पीसीटी है, पीसीटी है, यहाँ पर डीसीटी है। यहाँ तक फर्स्ट स्टेप ये अपनी कंप्लीट होती है, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और जो सेकंड स्टेप होती है वो होती है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। मतलब अगर यदि मतलब बॉडी जो भी अपने में मतलब कैल्शियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, सोडियम है, इन सबको अगर एक्सक्रीट कर देगी, बाहर फेंक देगी, तो शरीर में इन सब तत्वों की कमी हो जाएगी जिससे हमें बाहर से और लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी। इसलिए बॉडी क्या करती है, बॉडी इसका वापस रीअब्जॉर्ब कर लेती है। तो सेकेंड स्टेप आती है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड आएगा तो पीसीटी है, यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, इन सब का रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर पूरा जो नेफ्रोन है ये इसमें पेरिटुबुलर कैपिलरी का बना हुआ एक गुच्छा होता है पूरे नेफ्रोन में, जहाँ से जो भी फिल्ट्रेट हो गया, जो रीअब्जॉर्ब कर लिया अपन ने, वो पेरिटुबुलर कैपिलरी के द्वारा ब्लड में चला जाएगा, उसको यूज़ में ले लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर भी कुछ बच जाता है वो आगे आएगा, आगे ये लूप ऑफ हेनले आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है यहाँ पर H2 का रिएब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर ये वाला असेंडिंग हेनले लूप हो गया, ठीक है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन किया जाएगा सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, जैसे Mg का। उसके बाद में ऊपर जाते हैं तो ये DCT है, मतलब डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर भी फिर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा, ठीक है, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा, पोटेशियम का कर लिया जाएगा, Mg का कर लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा, कर लेंगे तो फिर ये जो पेरिटुबुलर कैपिलरी का बना हुआ गुच्छा होता है उनमें से ये जो सब्सटेंस है, तत्व है, एलिमेंट्स है, ये वापस ब्लड में चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में थर्ड स्टेप आती है, वो होती है ट्यूबुलर सिक्रेशंस, ठीक है। यदि बॉडी में फिर भी कोई
जो हानि मतलब हानिकारक सब्सटेंस होते हैं जो यूज़ में नहीं होते हैं, जैसे अमोनिया, हाइड्रोजन आयन, इनका कोई यूज़ नहीं होता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी के। इनको बाहर निकालने के लिए जो पेरिटुलर कैपिलरीज होती हैं, ये वापस इनको वापस जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब PCT है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, इनमें वापस भेजती है। फिर इनको वापस ये लूप ऑफ हेनले में जा करके जो कलेक्टिंग डक्ट है उसके द्वारा बाहर आएंगे। मतलब यहाँ पर जो लिक्विड बनेगा, जो कलेक्टिंग डक्ट का डिस्टल पार्ट है वहाँ पर लिक्विड बनेगा, उसको हम बोलते हैं यूरिन। ठीक है, और जो कलेक्टिंग डक्ट है वो H2 का भी रिएब्जॉर्प्शन करती है।